हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2019 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इनके पहले की वीडियोस में मार्च अप्रैल मई का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जैट आईएफटी स्नैप सीमैट एंड टिस एंड बाकी ऐसे एग्जाम जिसमें भी जीके या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसके नोट्स बना लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या हाईलाइट है इस वीडियो की। हम लोग डिस्कस करेंगे रैकेट बेनकाइजर के जो नए ग्लोबल सीईओ बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलफोर्स ने टेब्ल्यू करके कंपनी को परचेज किया है, एक्वायर किया है, बहुत बड़ा एक मर्जर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे निकल के आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद अजीम प्रेमजी ने रिटायरमेंट ले लिया है, कौन अब कंपनी को लीड करेगा। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड क्रूज बोट कौन सा है जो अभी लॉन्च होगा। उसके बाद फेसबुक ने नई क्रिप्टो करेंसी अपनी अनाउंस करी है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। लोकसभा का नया स्पीकर कौन बना है। जून में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हुए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया का फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम कहाँ पे खुला है, क्या है उसकी डिटेल्स। उसके बाद इसरो जो है उसने बोला है हम स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, कौन से ईयर तक करेंगे, क्या फैक्ट्स है उसके रिलेटेड। देन ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या क्या हुआ है। मालदीव्स ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी इंडियन को अभी दिया है, कौन सा वो इंडियन है एंड अवार्ड का नाम क्या है। 2019 फ्रेंच ओपन, हमें पता है टेनिस का टूर्नामेंट एंड एमबीए एग्जाम से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन या फिर मैं बोलूं यूएस ओपन, तो ये जो ओपन है मतलब टेनिस जो है उनका फेवरेट स्पोर्ट है, तो उनके विनर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स पे किसकी क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं हमारा जो पेनड्राइव कोर्स है वो एमबीए के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की। एंड इसमें आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए होता, डायरेक्ट आपको प्लग एंड प्ले करना होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सारा का सारा कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में मिलता है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन एंड भाई सारे के सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट सीरीज होती है। तो इतना करने के बाद आपको कोई भी बुक की, कोचिंग की या अलग से टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, इस पेनड्राइव की वीडियोस को देखना है, समझने हैं कॉन्सेप्ट को, फिर पोर्टल पर जाके प्रैक्टिस कर लेनी है एंड आपका काम हो गया। अगर आप पूरा एमबीए कोर्स नहीं ले सकते तो भाई आपके लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी है, क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके, सब में फंडा सेम है, बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज आपको कराई गई है सारे के सारे टॉपिक्स। तो बाकी डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हो studybus.co.in एंड वहां से ऑर्डर कर सकते हो। 3 to 4 days में आपके घर पे पेनड्राइव कोरियर आ जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले रैकेट बेनकाइजर, भाई कंज्यूमर गुड का बहुत बड़ा ब्रांड है रैकेट बेनकाइजर। इनका जो ग्लोबल सीईओ है वो चेंज हुआ है, तो क्या नाम है देख लेते हैं। जो नए सीईओ बने उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और ये अर्लियर कौन सी पोजीशन पे थे, अर्लियर ही वाज वर्किंग विद पेप्सिको, तो पेप्सिको में ही वाज चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ रैकेट बेनकाइजर। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको लिख लेना। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसको रिप्लेस किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैकेट बेनकाइजर के नए ग्लोबल सीईओ का नाम तो आ गया लेकिन इससे पहले कौन थे, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेल्सफोर्स एक्वायर्स टेब्ल्यू फॉर $15.7 बिलियन, बहुत बड़ी एक डील हुई है। तो उसमें हुआ क्या है, यूएस की एक क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी है सेल्सफोर्स, जिसने क्या करा, बिग डाटा कंपनी जो है जिसका नाम टेब्ल्यू सॉफ्टवेयर, उसको एक्वायर किया है कितने में, $15.3 बिलियन में। तो आपको भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नाम है और इस डील की वैल्यू कितनी थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अजीम प्रेमजी टू रिटायर, तो अजीम प्रेमजी जो है वो रिटायर हो रहे हैं। आपको पता है विप्रो के फाउंडर रह चुके हैं एंड इतने साल से विप्रो में काम कर रहे थे, अब इन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं बाय द एंड ऑफ जुलाई। एंड जो भाई नए सीईओ होंगे विप्रो के वो होंगे निमूच वाला एंड जो आपका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा वो होंगे अजीम प्रेम जी के जो सन है रिशद प्रेम जी। तो ये जो है ही इज करेंटली द चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर एंड नाउ ही विल टेक ओवर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड अबिद अली निमूच वाला विल बी द सीईओ एंड एमडी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो पहला सोलर पावर्ड क्रूज बोट है दैट विल बी लॉन्च इन केरला, तो केरला में इंडिया का पहला सोलर पावर्ड क्रूज लॉन्च हो रहा है एंड केरला में ही भाई पहले फर्स्ट सोलर फेरी भी लॉन्च हो चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए केरला में कंट्री की पहली सोलर फेरी एज वेल एज
कंट्री का पहला सोलर पावर क्रूज जो है वो लॉन्च होगा, ठीक है। दोनों इनिशिएटिव किसके हैं, ये इनिशिएटिव स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जो भाई प्रमोट कर रहा है इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फेसबुक जो है उसने नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है लिब्रा, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा बिटकॉइन वगैरह, उसी तरह से इन्होंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें कंट्रोल्स होंगे, इसमें रेगुलेशंस होंगे, पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, एंड एक तरह से ऑल्टरनेटिव करेंसी ये लोग बनाना चाहते हैं। तो फेसबुक ने अपनी एक पेमेंट कंपनी लॉन्च की है, जैसे इंडिया में पेमेंट कंपनीज है पेटीएम हो गई, फोन पे हो गई, वैसे ही फेसबुक ने अपनी एक पेमेंट कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है कैलिब्रा। एंड इस पेमेंट कंपनी के अंडर ये करेंसी रहेगी लिब्रा, जो इसको मैनेज करेगी पूरा का पूरा, ठीक है। एंड अभी धीरे धीरे ये टाइम के साथ और डिटेल्स इसकी लाने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही द कंपनी हैज पार्टनर्ड विद 27 बिजनेसेस एंड ये एक ओपन सोर्स करेंसी यहां पे होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 17th लोकसभा, जो अभी रिसेंट में लोकसभा बनी है, नए इलेक्शंस हुए, तो उसमें लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं वो बने ओम बिरला। तो ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर सेलेक्ट किया गया है। अगर आपको पता हो भाई 16th लोकसभा में जो स्पीकर थी वो थी सुमित्रा महाजन, लेकिन इस साल इन्होंने इलेक्शन नहीं करे थे, इसीलिए जो ओम बिरला है उनको भाई सेलेक्ट किया गया एज द 17th लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 21st जून को दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंटरनेशनल योगा डे होता है एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है। तो दोनों के दोनों डेज जो होते हैं दैट हैपन्स ऑन 21st ऑफ जून, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया स्पेस एक्स, इंडिया जो है अपना पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर करने वाला है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड स्पेस एक्स। तो इंडिया विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज नेम इंड स्पेस एक्स। तो इंड स्पेस एक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और ये कब इन्होंने करा है जुलाई 2019 में, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि ये भाई अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज कैसी है, कहां कहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं, एंड क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं जिसको हमें आगे कंसीडर करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद भाई इंडिया का पहला डायनासोर म्यूजियम भाई कहां इनॉग्रेट हुआ है, वो इनॉग्रेट हुआ है गुजरात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में कहां पे हुआ है, रायोली विलेज में, दैट इज नियर बालासिनोर टाउन ऑफ महीसागर डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला डायनासोर म्यूजियम लॉन्च हुआ है, तो आप बोल सकते हो महीसागर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है। एंड बोला जा रहा है कि भाई इंडिया का ये पहला ऐसा है और ओवरऑल वर्ल्ड में थर्ड ये डायनासोर म्यूजियम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसरो ने भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2030 तक। तो भाई आप ये देख सकते हो, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताओ कि इसरो ने क्या बोला है कि कब तक, कौन से ईयर तक वो अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। तो आपको पता होना चाहिए 2025 2030 2035, तो आप बता सकते हो कि इसरो ने बोला है दैट दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ लॉन्चिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वो क्वेश्चन ये है कि करंट इसरो के चेयरमैन कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो पिछले काफी टाइम से न्यूज में है, बहुत सारे इवेंट्स कर रहा है, कुछ कुछ मिशंस कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हु इज द न्यू एंड लेटेस्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज हुआ है, इसमें जो इंडिया की रैंक है दैट इज 141 आउट ऑफ 163। तो आप बोल सकते हो इंडिया इज नॉट अ वेरी पीसफुल कंट्री। एंड अगर आप देखोगे टॉप पे कौन सी कंट्री है जो सबसे पीसफुल है, दैट इज आइसलैंड, जिसकी रैंक 1 है। एंड लीस्ट पीसफुल कौन सा है, दैट इज अफगानिस्तान आउट ऑफ दीज 163 कंट्रीज। तो इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है, और आपको याद रखनी है टॉप पे कौन है। तो इंडिया रैंक इज 141 एंड टॉप पे जो कंट्री है दैट इज आइसलैंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है मालदीव जो है, उन्होंने भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को दिया है। तो पीएम मोदी हैज बीन अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मालदीव, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन बाय मालदीव गवर्नमेंट। तो ये भाई आपके अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन। तो यहां तक आपका नाम है, और ये किसने अवार्ड किया, मालदीव गवर्नमेंट ने दिया है, एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑनर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है पीएम को रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अवार्ड दिया है हाईएस्ट सिविलियन, या ये भी पूछा जा सकता है कि मालदीव ने किसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन से आपके दोनों तीनों सारे आंसर्स ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 2019 जो टेनिस का टूर्नामेंट हुआ था फ्रेंच ओपन, उसमें कौन कौन जीता है। तो मेन सिंगल्स में जो जीता है
वो जीता राफेल नडाल, एंड इन्होंने किसे डिफीट किया, इन्होंने डिफीट किया डोमिनिक थीम को। तो आपको विनर और रनर अप दोनों पता होने चाहिए, सिंगल्स के, डबल्स के और मिक्स डबल्स के। तो पांच तरह के इवेंट होते हैं, पांचों के हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। उसके बाद अगर मैं देखूं वुमेन सिंगल में कौन जीती है, तो वुमेन सिंगल में ऑस्ट्रेलिया की बार्टी जीती है एंड शी डिफीटेड मार्केटा फ्रॉम चेक रिपब्लिक। उसके बाद मेंस डबल्स देखो, जर्मन पेयर जीता है और उन्होंने फ्रेंच पेयर को हराया है, नाम इसके लिख लेना। एंड वुमेन्स डबल जो है उन्होंने भाई डिफीट किया है किसको, चाइनीज पेयर को, तो इनके नाम लिख लेना। एंड मिक्स डबल्स की डिटेल्स ये रही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेन सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके विनर और रनर अप दोनों चीजें, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है, जहां पे भाई सारे लोगों को इक्वल कंसिडर किया जाता है, मेन को वुमेन के इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो 129 कंट्रीज का भाई जो ये सर्वे हुआ था, जो इंडेक्स आया है 129 कंट्रीज का, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है दैट इज 95। तो अगेन यू कैन से कि इंडिया में बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी नहीं है। एंड अगर हम देखें कि टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो दैट कंट्री इज डेनमार्क। तो डेनमार्क की टॉप रैंक है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है, लोगों को बिल्कुल बराबर देखा जाता है। एंड ये जो सर्वे कंडक्ट हुआ था, ये जो इंडेक्स कंडक्ट हुआ था, यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर देखे जाते हैं भाई, मैन वुमेन की हेल्थ कैसी है, उनके एजुकेशन में कितनी इक्वालिटी है, लिटरेसी रेट में क्या है, फिर वर्क प्लेस में कितनी इक्वालिटी है, पॉलिटिकली कितना रिप्रेजेंटेशन है, पॉवर्टी में मैन ज्यादा गरीब है या वुमेन ज्यादा गरीब है। तो इन फैक्टर्स को देख के एक पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक 95th है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी रैंक नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एजुकेशन भी भाई वुमेन की बहुत ज्यादा नहीं रहती इन कंपेरिजन टू मैन। तो इसीलिए इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे है। एंड डेनमार्क जो है दैट इज ऑन द टॉप, यहाँ पे सब पैरामीटर्स में लगभग मैन और वुमेन जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल गई हैं, इनके नोट्स अच्छे से बना लेना। एंड अगर इसी तरह से आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, तो हमारा भाई इंस्टाग्राम चैनल जो है वो फॉलो कर लेना, स्टडी बेस एजुकेशन, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर मिलती रहती है। एंड अगर आपको पेन ड्राइव कोर्सेज चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।